मुझे छक्का सुनने को मिला है, मुझे केक सुनने को मिला है, खुसरा सुनने को मिला है। लोग अक्सर फैंटा भी बोलते थे मुझको, यू नो, कोक नहीं है ना स्प्राइट ही तो फैंटा है। मुझे लगता है कि शायद मेरी फैमिली को पता ही था हमेशा से, एटलीस्ट मेरी माँ को तो पता ही था कि मैं कौन हूँ। इनिशियली फैमिली भी यही समझती थी, जो जनरल परसेप्शन है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन चॉइस है, बट इट्स नॉट। सिर्फ सवाल करता है कि तुम्हें कब रियलाइज हुआ कि तुम गे हो, फिर हमेशा उनसे एक होता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बेशक इसका सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मेरे एक सवाल के जवाब कि तुम्हें कब पता कि तुम स्ट्रेट हो। शुरू में फैमिली अपोज करती थी, बुरा भला बोलते थे, बहुत सारी धमकियां भी दी जाती थी कि अगर ऐसा करोगे तो घर से निकाल देंगे। मुख्तलिफ एडवाइसेस होती थी, नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ मांगो, कौमे लूत की मिसाल दी जाती थी। मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, मैं ज़कात भी देता हूँ, मैं हज का भी ख्वाहिशमंद हूँ, ये तो मेरा और अल्लाह का मामला है, मेरी सेक्सुअलिटी तो ये मेरी अपनी है। हम दोनों की मुलाकात जो है एक सोशल ऐप के थ्रू ही थी, मैं पहली दफ़ा जब मिला तो मैं तो समथिंग वो केमिस्ट्री आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, पहली दफ़ा ही मैंने इसको देखते ही प्रपोज किया कि लेट्स लिव टुगेदर। पहला सवाल ये आता था कि अच्छा तुम में से मियाँ कौन है और बीवी कौन है। ये समझाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था कि इस तरह के ताल्लुक में कोई मियाँ बीवी नहीं होता, दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी अपने अपने तरीके से निभा रहे होते हैं। वी आर एज नॉर्मल एज अदर पीपल इन सोसाइटी। इस वक्त जो नॉर्म है वो है डोंट आस्क डोंट टेल। अगर आप अपना प्रचार नहीं करते, आप खुद को जो है एक्सपोज नहीं करते, तो शायद सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक स्ट्रेट बंदा जाके ये कह सकता है कि मैं स्ट्रेट हूँ और उसको कोई इस बात के लिए नौकरी से नहीं निकालता, तो एक LGBTQI कम्युनिटी के बंदे के लिए भी वो चीज़ उसी तरह होनी चाहिए। ठीक है, उसकी सेक्सुअलिटी की बिना पर उसको कोई हरासमेंट फेस ना करनी पड़े, उसकी जान को कोई खतरा ना हो। हमारे प्लान है बीइंग कपल कि हम बेबी अडॉप्ट करना चाहते हैं, अपने आप को एज ए फैमिली ग्रो करना चाहते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि एज सेम सेक्स कपल हमें कभी भी कोई लीगल स्टेटस मिल सकता है। इन दी एंड होता यह है कि आपको अपना घर, अपने लोग, अपना मुल्क छोड़ना पड़ता है ताकि आप खुद आज़ाद हो सको।